हाईकोर्ट ने एक पक्षकार को आर्थिक जुर्माने के तौर पर 5 फलदार पेड़ लगाने का आदेश दिया है। साथ ही 4 माह में पेड़ों के फोटो भेजने और स्थानीय न्यायाधीशों को मॉनिटरिंग करने के आदेश जारी किए हैं। पर्यावरण की बढ़ते खतरे को संवारने के लिए अब न्यायालय भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उच्च न्यायालय ग्वालियर ने एक अनोखा आदेश पारित किया है, जिसमें जुर्माने के तौर पर एक पक्षकार को 5 फलदार पेड़ लगाने का आदेश दिया है। तिलक चौक पर उदासी की बगिया के नाम से पहचाने जाने वाले परिसर में बसंत कुमार उदासी निवास करते हैं। बसंत उदासी का उसके किराएदार नेमा और भाई से संपत्ति को लेकर प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद पाठक ने बसंत कुमार उदासी को आर्थिक जुर्माना के तौर पर आदेश दिया है, जिसमें 5 फलदार पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट न्यायाधीश आनंद पाठक ने बसंत कुमार उदासी को आदेश दिया है कि वह 5 पेड़ विदिशा या कहीं लगाएं। उन 5 पेड़ों की देखभाल के लिए प्रत्येक 4 माह में फोटो हाईकोर्ट को भेजना पड़ेगा। भेजे फोटो के अनुसार पेड़ सुरक्षित हैं या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए विदिशा के न्यायाधीशों को जिम्मेदारी दी है। न्यायालय द्वारा दिए गए इस आदेश से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी है। महज कुछ रुपए के जुर्माने की बजाय अगर पेड़ लगाने का आदेश दिया जाए तो निश्चित तौर पर हरियाली नजर आने लगेगी।